हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा लावा ब्लेज 5G फ़ोन है, तो लावा ब्लेज 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन के सेटिंग्स पे जाकर फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जैसे आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, फ़ोन आपका बार बार हैंग हो रहा है या आपका फ़ोन बार बार रुक रहा है, तो आप उसकी हैंगिंग की जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं और आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को अपने लावा ब्लेज 5G फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि हैंगिंग प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं लावा फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली फिर आपको इस पे जाना है सेटिंग्स पे और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं और हैंगिंग प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे कर सकते हैं, तो स्लाइड करते हुए आपको जाना है यहाँ से अबाउट फ़ोन पे, फिर वर्जन पे जाना है, जहाँ से आपको बिल्ड नंबर्स मिल जाए से 3 से 4 बार टैप कर लेना है, जिससे डेवलपर ऑप्शन आप ऑन कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऑन कर देंगे तो आपके पास ऑप्शन आता है सिस्टम्स का। फिर डेवलपर ऑप्शंस पे जाकर जो भी आप फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और सिंपली देख सकते हैं कि आपके पास ये सेटिंग्स आ रही है, जिसमें से आपको स्केल सेटिंग्स मिलती है, जिसमें से ऑफ़ कर देना है एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन स्केल भी ऑफ़ कर देना है और ड्यूरेशन स्केल भी ऑफ़ कर देना है। फिर इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो जो प्रोसेस लिमिट होता है उसको भी आपको नो बैकग्राउंड पे कर देना है। जैसे नो बैकग्राउंड करते हैं तो जो भी फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स हैं आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी और आपका जो फ़ोन है हैंग नहीं करेगा। तो इस तरीके से भी फ़ोन हैंगिंग की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं लावा फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।